नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो जी हाँ, आपने थंबनेल में सही पढ़ा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। दरअसल यहाँ पर चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने रूस से S-400 का खरीदने का डील किया था, क्योंकि रूसी ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को अब हाल ही मिल सकता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, जो कि एयरफोर्स के नए चीफ हैं, उन्होंने मंगलवार को कहा कि रूस में निर्मित यह अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इस साल के अंदर अंदर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि S-400 भारत के आने से बढ़ती संभावना के बीच अब अमेरिका से बड़ा झटका लगने का आशंका बताई जा रही है। वहीं चीन के खिलाफ गठजोड़ में भारत के साथ खड़ा अमेरिका रूसी डिफेंस सिस्टम का कड़ा विरोध करता रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत S-400 की जगह अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे, लेकिन यहाँ पर विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी सिस्टम S-400 के सामने कहीं नहीं टिकता है। यही वजह है कि भारत ने कई बार अमेरिका को साफ कह दिया कि वह रूस के इस डील पर आगे बढ़ेगा। वहीं भारत के इस फैसले से अब अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि जो बाइडेन रूस को अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु बता चुके हैं और वे तुर्की के S-400 खरीदने का विरोध भी कर चुके हैं, जो कि नाटो देशों का सदस्य है। आपको बता दें कि चीन के कुछ दिन पहले ही भारत से सटे बॉर्डर पर S-400 तैनात किया था, जो कि रूस से खरीदा गया था। हालांकि कई एक्सपर्ट का यह मानना है कि रूस ने जो S-400 चाइना को दिया है, उसकी क्षमता मात्र 300 किलोमीटर ही है। आपको बता दें कि भारत रूस से $5.4 अरब में S-400 मिसाइल सिस्टम डील लिया है। माना जा रहा है कि इस साल नवंबर महीने में इसकी आपूर्ति शुरू हो जाएगी। यही नहीं, भारत रूस के हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक है। हाल ही में चीन ने भी भारतीय सीमा के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही तैनात कर रखा था। इसी वजह से भारत को इस सिस्टम की और ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका को दो टूक बता दिया कि वह इस सिस्टम को खरीदने के पीछे नहीं हटेगा। वहीं भारत सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है। इसमें अपाचे हेलीकॉप्टर, चुनूक और PAT निगरानी विमान शामिल है। आपको बता दें कि भारत में अभी 60% हथियार रूसी निर्मित हथियार हैं। आपको बता दें कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन की एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। आपको बता दें कि यह S-400 सिस्टम रूस के S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। S-400 सिस्टम को साल 2007 में सेवा में लिया गया था और यह एक राउंड में 36 बार हमला करने में सक्षम है। आपको क्या लगता है, रूस से S-400 लेने पर अमेरिका का क्या प्रतिक्रिया होगा भारत पर? आप अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह का आप खबर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।